बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हनुमान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मौसम बहुत ठंडा है, तो आप काफ़ी दिनों बाद हाजिर हूँ दोबारा इस यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली मैं थोड़ा बिजी था, मेरे पेपर चल रहे थे, इसलिए मेरा फिर फोकस पेपर्स पर ही था। तो अब हम हो गए पेपर से फारिग। तो अभी मैंने एक न्यू प्रिंटर बाय किया है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी एक फोटोग्राफर है उसको प्रिंटिंग की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगा जो बेहतर है मेरे लिए प्रिंटर, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद अभी हम उसको अनबॉक्स करते हैं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं हम अनबॉक्सिंग के लिए। तो गाइस, ये है प्रिंटर एप्सन का T50, और आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये इंक सिस्टम इसका आपको देखने को मिलता है जी। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सारा लिखा हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ एक एक स्क्रीन शॉट दे देता हूँ, तो ताकि आप देख सकें भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इनका कहना है कि जो लैब क्वालिटी प्रिंट है वो ये प्रिंटर इजीली निकाल सकता है। तो देखते हैं इस बाद में कितनी ही सच्चाई है। तो सबसे पहले इसको मैं कर लेता हूँ अनबॉक्स। तो ये देखिए, तो ये हमारा हो गया प्रिंटर ओपन, जहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई दे रही है एक पावर केबल और प्रिंटर। तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे आपको ये पावर केबल देखने को मिलती है, ये वो लेक्स को पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। तो अभी हम प्रिंटर को निकालते हैं। तो बेसिकली इस वक्त कैमरा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ, तो काफ़ी इसको कैसे निकाल, पहले तो ये साइड्स भी कर देता हूँ, ये निकाला, ये फेंक दिया, ये फेंक दिया। तो ये है हमारे पास प्रिंटर, प्रिंटर भी एक कवर में है। तो इसको, तो अभी मैं इस प्रिंटर को बाहर निकाल कर रखता हूँ, तो फिर दोबारा कैमरा रिकॉर्डिंग पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे आपको ये एक डाटा केबल देखने को मिलती है, और ये क्विक स्टार्ट, ये सीडी प्रिंटर है, ये आपके पास सीडी है, और यहाँ पे कुछ क्विक स्टार्ट गाइज हैं आपके पास देखने को मिलती है। ये देखिए जी, ये सीडी है, तो उसके बाद ये सीडी ट्रे है आपके पास, जो खास नहीं है। उसके बाद ये डाटा केबल जो कि अच्छी क्वालिटी की लग रही है। तो उसके अलावा बॉक्स में कुछ नहीं है। अभी मैं इसके अंदर कार्ट्रिज थी जो ऑलरेडी मैंने प्रिंटर में एंटर कर दी है, और प्रिंटर का मैंने एक प्रिंट टेस्ट भी कर लिया है, और ये सिर्फ मैं आपके लिए गाइस अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो गाइस ये मैंने अपनी शॉप पे यहाँ अपने घर में चेक किया, मैंने जहाँ से लिया था तो वहीं से मैंने इसे चेक कर लिया था। तो मैं ये सारा कुछ रिमूव कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमारे पास ये प्रिंट ट्रे है, ये अंदर प्रिंटर है, यहाँ पे हमारे पास ये कार्ट्रिजेज मौजूद है। तो इसमें 6 कलर कार्ट्रिजेज हैं, तो चलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपका प्रिंटिंग का सारा कुछ आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलता है।